हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की नया दिन, नई वीडियो, तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह। तो इस समय फ़िलहाल मैं हूँ सामने, ये देख सकते हो, यहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। तो यहाँ से चलेंगे हम सामने, ये मेट्रो दिखाई दे रही है, तो सामने लिखा हुआ लक्ष्मी नगर। तो मैं इस समय हूँ लक्ष्मी नगर, तो मेट्रो से चलेंगे आगे के डेस्टिनेशन के लिए। तो ऐसा कुछ सीन है फिलहाल। तो भाई इस साइड से जाते हुए और सामने की तरफ जाएंगे तो इस तरफ है मेट्रो का एंट्रेंस। तो लक्ष्मी नगर मेट्रो का एंट्रेंस है इस तरफ सामने। तो पकड़ते हैं पहले मेट्रो, फिर चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। सामने है लक्ष्मी नगर मेट्रो का एंट्रेंस। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, तो चलते हैं एंट्रेंस, लेते हैं टिकट मेट्रो से। तो भाई लक्ष्मी नगर मेट्रो से होते हुए ये मोती बाग मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा हूँ। तो मोती बाग मेट्रो स्टेशन से इस वे की तरफ रास्ता जाता है रेल म्यूज़ियम की तरफ, नेशनल रेलवे म्यूज़ियम। तो आज हम जाएंगे भाई नेशनल रेलवे म्यूज़ियम देखने। तो इस जगह से 1.7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है नेशनल रेलवे म्यूज़ियम का, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर पैदल चलने के शौकीन हो या पैदल चलना चाहते हो तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बाय द वे, ऑटो जैसा कि करना चाहते हो तो ऑटो 50 रुपये, जैसे मैंने बताया वैसे 30-50 ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। तो सामने भाई ऐसा कुछ सीन है, चलते हैं आगे। इस समय मैं हूँ नेशनल रेल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो भाई सामने का सीन ऐसा है, तो ये भाई स्टीम इंजन है, जो कि पुराने ज़माने का स्टीम इंजन है, देख सकते हो। तो इस तरफ ऐसा कुछ सीन है भाई। इस सीन से होते हुए अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो ये जब हम इस साइड में आते हैं तो ये सामने से मेन एंट्रेंस है, वो गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही होगी। तो वहाँ से हम जैसे एंटर करते हैं सबसे पहले ये वाला पार्ट आता है। तो इस पार्ट से होते हुए चलते हैं अगले पार्ट की ओर। इस पार्ट से होते हुए जैसे हम आते हैं इधर रेलवे ट्रैक से, तो सामने एक ऐसा एंट्रेंस गेट बना हुआ है भाई। ये बना रखे हैं ट्रैक, छोटे छोटे ट्रैक बना रखे हैं, देख सकते हो। तो एंट्री करते हुए जैसे हम इस पार्ट की ओर आते हैं तो इस पार्ट की ओर से ये इस साइड में जाली लगी हुई है। इस साइड की तरफ हम जब आते हैं तो ऐसा कुछ भाई बोगी का सिस्टम दिखाया गया है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो इस पार्ट से बोगी के निकलते ही ऐसा कुछ सामने का सीन है भाई, केव सा बना दिखाई देगा। तो यहाँ भी रेस्ट करने के लिए भी बेंच लगे हुए हैं। अब हम आगे इस पार्ट की ओर, इस पार्ट की ओर आने पर ऐसा कुछ दिखाई देता है भाई। तो अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ जाके देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस स्टीम इंजन का मॉडल ऐसा स्टीम इंजन है ये, ऐसा कुछ सीन है भाई इसका। सर लेस्ली विल्सन नाम है इसका, ये जो लिखा हुआ सर लेस्ली विल्सन इंजन। तो सर लेस्ली विल्सन जो लिखा गया है, इस इंजन के बारे में जानना हो तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जो कि ऐसा कुछ इसके बारे में लिखा गया है जानकारी के लिए। तो ये जो दूसरा है GIPR सर रोजर लुमले, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप
इस इंजन वाले पार्ट से आते हैं तो सामने ये इंजन के व्हील हैं जो कि ट्रैक पर रखे हुए हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ऐसे। तो इस इंजन से होते हुए अब आते हैं इस पार्ट की ओर। तो इस पार्ट की ओर ऐसा कुछ सीन है भाई, इस पार्ट में भी एक स्टीम इंजन खड़ा हुआ है। तो इस पार्ट की ओर आते हैं तो इस पार्ट की ओर भाई ये स्टीम इंजन इस टाइप का है। तो अलग अलग टाइप के जो स्टीम इंजन है वो सभी रेल म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ऐसा कुछ है ये स्टीम इंजन के मॉडल का डिज़ाइन। भाई अलग अलग टाइप के स्टीम इंजन है जो कि आप देख सकते हो। तो सामने पुल सा बना हुआ है रेल ट्रैक का। इस स्टीम इंजन को जैसे हम देखते हैं तो ये स्टीम इंजन भी एक अलग टाइप का काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस इंजन के जस्ट सामने इस साइड में हम देखते हैं तो रेलवे ट्रैक के साइड में ये पुल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कुछ पुल बना हुआ है, तो इसी तरह सामने के पार्ट में भी पुल बना हुआ है। तो इस पार्ट से जो ट्रेन की दिशा घुमाई जाती है ये वो पार्ट है, यहाँ से ट्रेन का इंजन घुमाया जाता है, ये वो हिस्सा है। सामने जॉय ट्रेन चल रही है, देख सकते हो जॉय ट्रेन, लोग बैठे हुए हैं जॉय ट्रेन में मज़े ले रहे हैं। अब चलते हैं सामने वाले पार्ट की ओर। इस बने हुए पुल के साथ साथ जैसे ही हम आते हैं तो सामने एक डीजल इंजन खड़ा हुआ है, DMU जिसको बोलते हैं ये वो। तो ये भी भाई किसी समय या ऐसी भी कोई ट्रेन है जो सामान ढोने या किस चीज़ के लिए चलती थी इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई स्क्रीन शॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, सामने जो है ट्रेन घूमती हुई निकल रही है। तो भाई इस इंजन का अंदर का कैबिन का ये है जहाँ पे ड्राइवर इसको ऑपरेट करता है। तो ऐसा कुछ सीन था इसका, ये है बोगी। तो बोगी ऐसे ओल्ड टाइम की। इस साइड का स्टीम इंजन ऐसा, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के इंजन है भाई, अभी और भी देखने बाकी हैं। तो काफ़ी शानदार है भाई इसका। जैसे हम इस साइड में आते हैं भाई यहाँ पे लिखा हुआ दार्जिलिंग। भाई इस साइड में भी काफ़ी शानदार सा बना रखा है। तो इधर सामने ही लिखा है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नेशनल रेल म्यूज़ियम। तो ये इस पार्ट का हिस्सा है। यहाँ से हम बाहर का सीन देख सकते हैं, जो बाहर वहाँ से हम घूमते हुए इसकी तरफ एंटर कर सकते हैं। तो भाई एक ये स्टीम इंजन का मॉडल रखा हुआ है। तो सामने ये प्लेटफार्म सा बन रखा है। तो सामने से देखने पर भाई ऐसा कुछ सीन है प्लेटफार्म का, और बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये स्टीम इंजन का ये पार्ट इसका इस साइड से सामने आने पर ऐसा कुछ सीन है भाई फ्रंट पार्ट का। ये था भाई सबसे छोटा मॉडल स्टीम इंजन का। तो इसकी ये ट्रैक भी देख सकते हो काफ़ी छोटा है, तो इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। तो अलग अलग तरह के मॉडल हैं जो कि आगे भी हमको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं इस साइड से दूसरी साइड की ओर। तो भाई सामने जाने पर ये ट्रैक बना हुआ, पुल बना हुआ है भाई। तो सामने डीजल इंजन है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो जस्ट सामने आते ही ऐसा कुछ सीन है भाई, स्टीम इंजन एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो जॉय ट्रेन चल रही है तो उसी का एक ट्रैक बना हुआ है ये। तो ऐसा कुछ सीन है भाई सामने।
तो चलते हैं अब इस स्टीम इंजन को देखते हैं। तो ये भाई बड़े वाला स्टीम इंजन है जो कि आप देख पा रहे हो। काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई, पुराने ज़माने का ऐसे ही इंजन चलते थे भाई। तो यहाँ से पहले ये इंजन का सिस्टम था, ड्राइवर के चढ़ने के लिए ऐसा बन रखा था, तो ऐसा कुछ सीन था भाई। तो इस इंजन के बारे में भाई सामने बोर्ड लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो उसको, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, वीडियो पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हो। तो इस साइड में भाई कोच लगे हुए हैं, तो इस साइड में ओल्ड डिज़ाइन का स्टीम इंजन, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। भाई सामने जाने पर और भी बहुत इंजन है। इस साइड में भाई क्रेन है जो कि आप देख सकते हो, तो ऐसा कुछ सीन है भाई क्रेन का। तो ये सभी यहाँ पे म्यूज़ियम में, जो इंडियन रेलवे में ओल्ड टाइम में ये यूज़ होते थे, क्रेन, स्टीम इंजन, वो सारे मॉडल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। तो अब हम आते हैं सामने वाले पार्ट की ओर। तो सामने वाले पार्ट की ओर जैसे आते हैं तो यहाँ पे भी बोर्ड लग रखा है। इस पार्ट की ओर जैसे ही आते हैं क्रेन देखने के बाद, तो इधर भी ऐसा कुछ लिखा होगा क्रेन टैंक के बारे में। तो क्रेन टैंक हिंदी और इंग्लिश में इसके बारे में लिखा है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो वहाँ पे स्क्रीन शॉट जो कि मैंने आपको दिखाया है इसका। तो इस साइड में जैसे ही हम आते हैं तो ऐसा कुछ लिखा गया है, रामसन एंड रैपियर लिमिटेड लंदन। तो इसके बारे में भाई यहाँ पे है ब्रेक डाउन क्रेन, बहुत ही डिफरेंट टाइप के अलग अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सामने ये कोच है भाई, तो जस्ट हम इस कोच के सामने इस साइड की ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये स्टीम इंजन, तो ऐसा कुछ सीन है भाई स्टीम इंजन का। तो इस तरफ ये दो स्टीम इंजन खड़े हुए हैं, इस तरफ ये क्रेनें खड़ी हुई हैं, ये कोच है। तो इस तरफ आगे की तरफ हम जाते हैं, तो आगे की तरफ देखते हैं क्या देखने को मिलेगा और कुछ। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी पुराने पुराने मॉडल रख रखे हैं इंडियन रेलवे वालों ने। तो अब इस साइड की तरफ आते हैं तो सामने लिखा है GIP डायनोमीटर कार। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हो। तो इधर भी लिखा हुआ है शिवैन ER, तो इसके बारे में भी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो इस साइड में बनाया भी हुआ है, ये मॉडल रखे हुए हैं भाई। काफ़ी शानदार है भाई, देखने में बहुत शानदार लग रहा है। तो अब हम आते हैं इधर से इस हाल से, जैसे देखते हैं तो इस साइड में भी कोच लगा हुआ है। तो इधर लिखा हुआ है सेंटिनल 6273। तो ऐसा कुछ सीन है भाई इस साइड में। तो इस साइड में भी ONRR टू लेफ्ट 5 टन्स। तो ये क्रेन है भाई, ये है भाई पुराने ज़माने की क्रेन, ऐसा कुछ सीन। तो इस साइड में भी स्टीम इंजन का एक मॉडल है। तो इस साइड से हम देखते जाएंगे तो ऐसा कुछ भाई, ये भी अलग टाइप का मॉडल है स्टीम इंजन का। तो आगे भी स्टीम इंजन का मॉडल अलग अलग रख रखे हैं जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये पता नहीं कपड़े से क्यों ढका हुआ है भाई, इसका पता नहीं है फिलहाल। NWR लिखा है, होगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे।
उत्तर पश्चिम रेलवे हो सकता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं फिलहाल, तो ऐसा ही कुछ है। तो इधर लिखा हुआ है L2 क्लास HD मकायर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टीम लोकोमोटिव ऑफ नॉर्थ ब्रिटिश लोको लिमिटेड 1907 का बना हुआ भाई ये। सामने भाई इनके बारे में जानकारी देने वाला ये बोर्ड लग रखा है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके भी दोनों को पढ़ सकते हो। तो सामने भाई ऐसा कुछ सीन है स्टीम इंजन का। इस साइड में आने पे भाई ऐसा कुछ सीन है भाई स्टीम इंजन का। तो ये पीछे का पार्ट है जहाँ पे कोयला पड़ता था, तो सामने का वो पार्ट है जहाँ से कोयला डाला जाता था। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो इस लाइन में देखते हैं तो अलग अलग टाइप के जो इंजन रखे हुए हैं, सभी स्टीम इंजन है इंडियन रेलवे के। तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं और इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखा गया है भाई। तो स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज ये सब करके आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। तो यहाँ से होते हुए हम चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर। तो लास्ट पार्ट से होते हुए देखेंगे क्या देखने को मिलता है। तो भाई फिलहाल इस साइड का इंजन, इस साइड के इंजन के बारे में। बात करते हैं आर्मर्ड ट्रेन यानी कवच वाली ट्रेन। तो सामने ये बोर्ड सा लग रखा है उनके बारे में जानकारी देने के लिए, कवच वाली ट्रेन के बारे में। तो कवच वाली ट्रेन के बारे में जानकारी इस बोर्ड से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं ये ट्रेन देखने के लिए जो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भाई ये इस बोगी का हाल है जो कि सामान ढोने के लिए है। तो ये है वो आर्मर्ड ट्रेन, जो कवच वाली ट्रेन जिसको बोला जाता है। तो भाई ऐसा कुछ सीन है इस ट्रेन का। तो अब हम जैसे ही साइड से इधर आते हैं तो इधर भाई ये ओल्ड टाइम का ये रेलवे का कोच ऐसा होता था अंग्रेजों के ज़माने का। तो यहाँ से भाई ऐसा चढ़ने के लिए बन रखा है। तो नीचे देख सकते हो ये सिस्टम लगा होता था कमानी वाला, और नीचे ये ब्रेक इस टाइप से लगती थी, और ये व्हील का आकार देख सकते हो साइज व्हील का ऐसा कुछ होता था। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोच भी थे और डिफरेंट टाइप के स्टीम इंजन भी थे। तो इसके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री लिख रखी है। तो ये सामने भी यहाँ पे भी देख सकते हो। तो वैगन 148 यानी माल डिब्बा, तो ERC 49-10। तो स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। तो आर्मर्ड जो ट्रेन ये थी मैंने दिखाई, तो ऐसा कुछ सीन है भाई इस साइड का। तो ये भाई एक डिफरेंट टाइप का स्टीम इंजन और देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये ऐसा कुछ सीन है भाई, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो ऐसा ये इंजन का भाई फ्रंट पार्ट है। तो ये है वो इंजन का साइड पार्ट। तो भाई ये इंजन का मॉडल का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है। तो इसका व्हील साइज देख सकते हो, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप का है लेकिन शानदार है। तो अब हम इसके ऊपर के पार्ट से देखते हैं तो भाई ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इस तरह कोयला रखा जाता था, तो ये सामने वाले पार्ट में कोयला डाला जाता था स्टीम बनाने के लिए। तो भाई सामने का सीन एक और ऐसा है। तो इस साइड से हम जैसे ही जाते हैं भाई,
सामने का सीन ऐसा दिखाई दे रहा है इस स्टीम इंजन का, सामने फिनिक्स लिख रखा है तो पीछे एक और बड़ा स्टीम इंजन है तो जो कि एक सीरियल वाइज लाइन में खड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। सामने भाई रेल कैफेटेरिया है, खाने पीने के लिए कैफेटेरिया। तो इस साइड में भाई ऐसा स्टीम इंजन, तो इस साइड में ये स्टीम इंजन ऐसा है। तो इस पार्ट की ओर आने पर सामने ये स्टीम इंजन ऐसा दिखाई देता है। तो काफ़ी रेयर टाइप के स्टीम इंजन हैं जो कि काफ़ी ओल्ड टाइम के हैं। तो भाई ऐसे ऐसे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग मॉडल के इंजन हैं, तो इसके बारे में ये सामने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, डचेस ऑफ यॉर्क। तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो इधर लिखा हुआ है वाइस रीगल भोजन, वाइस रीगल डाइनिंग कार, यानी ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो भाई ये ऐसा कुछ कोच का इस साइड का सीन है। ये एक और रेयर डिज़ाइन का भाई, बिल्कुल रेयर भाई, ये देख सकते हो भाई। अब इसके फ्रंट पार्ट्स में दिखाता हूँ, बिल्कुल रेयर है भाई, एक से एक रेयर स्टीम इंजन दिखाई देंगे, ये देख सकते हो। तो भाई इसके व्हील का डिज़ाइन देख सकते हो, व्हील का डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, देख सकते हो। तो ये अभी पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रामवे, तो इसके व्हील पे जो लिखा हुआ है, तो भाई ऐसा था। तो ये भाई जो कोयला इसमें जलता था वो कोयला यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा, तो ऐसा कुछ सीन है। तो भाई इसके कोच का ये देख सकते हो, ये भाई ये इसका डायमीटर काफ़ी चौड़ा है लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है। तो इस साइड में भी मॉडल बना रखे हैं, तो मॉडल देखते हैं। तो इस साइड में तो स्टीम इंजन है ही है जो कि आप देख सकते हो। तो सामने ये रेलवे के ट्रैक का मॉडल है, वो सामने इस तरह से देखते जाएंगे तो सामने दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन का वो मॉडल लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे इसको मॉडल के रूप में चित्रित करके दिखाया गया है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो साइड में भाई सारे ग्लास लग रखे हैं। ये गुना जो जंक्शन है जो उसका बना रखा है मॉडल। तो सामने आ गया भाई महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। हमने भी देख सकते हो ब्रिज बना दिया गया है, तो ब्रिज का ये मॉडल। तो अब चलते हैं आगे के पार्ट देखने के लिए। तो आगे के पार्ट में देखते देखते हो सकता है वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ देखने को रखा हुआ है जो कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के रेयर टाइप के स्टीम इंजन है जो कि इंडियन रेलवे की हिस्ट्री को बयां करते हैं। तो जैसे हम स्टीम इंजन से आते हैं तो सामने एक ऐसा प्लेटफार्म बन रखा है स्टेशन सा टाइप का। तो चलते हैं सामने वाले आगे के पार्ट की ओर। तो भाई सामने ये जो छोटा सा ट्रैक बन रखा है जो कि आप देख पा रहे हो, ये ट्रैक, तो इस ट्रैक पे मॉडल टाइप छोटे छोटे रेल कोच या रेल ट्रेन इंजन चलाने के लिए ऐसे मॉडल बना रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। तो ये इस छोटे से कोच पे चलाते होंगे, तो फिलहाल तो ये भाई ट्रैक से उतार के रखे हुए हैं, ऐसा कुछ सीन है भाई। तो इधर भाई ये ट्रैक देख सकते हो, स्टेशन टाइप का बना रखा है, टॉय ट्रेन वर्कशॉप है ये भाई, ये तो ये वर्कशॉप में तैयार करते होंगे इनको।
तो ऐसा कुछ सीन है भाई इस वर्कशॉप का। तो अब हम आते हैं इस पार्ट की ओर। तो भाई ऐसा कुछ इस तरह का कोच है, और ये है भाई इसके साथ लगा हुआ स्टीम इंजन। तो भाई ऐसा कुछ डिजाइन है इसका। तो इस साइड में सामने आने पर ऐसा कुछ डिजाइन है भाई स्टीम इंजन का। तो ऐसा कुछ सामने का सीन है भाई। जैसे ही हम इस पार्ट की ओर आते हैं तो सामने ये लिखा हुआ है म्यूजियम जंक्शन। तो जहाँ पे एक ट्रेन अभी आके रुकी हुई है, तो इस तरफ है नेशनल रेल म्यूजियम लिखा हुआ संग्रहालय। तो भाई सामने वाले साइड की और ऐसा कुछ बना हुआ है आई लव NRM नेशनल रेल म्यूजियम। तो लोग उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो सामने भाई नेशनल रेल म्यूजियम, करते हैं एंटर। तो भाई ये रेल म्यूजियम का इंटरनल पार्ट है। सामने एंट्रेंस गेट है, वहाँ से हम आए हैं। तो ये भाई अलग अलग जानकारी देने के लिए ये वीडियो चल रहा है यहाँ पे। तो भाई ऐसा कुछ सीन है भाई। फाइनली नेशनल रेल म्यूजियम भाई देख लिया, घूम लिया है। तो अब हम आ गए हैं इसके एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। तो सामने वो स्टीम इंजन है, तो उस तरफ से एंट्री गेट है। जैसे ही हम आते हैं सामने डिस्प्ले चल रहा है, तो स्टीम इंजन का मॉडल रखा हुआ है। तो इस रास्ते से
जा सकते हैं इस रास्ते से, वैसे एंट्रिंग पॉइंट है। तो ऐसा कुछ सीन था, 100 रुपये का टिकट था भाई अडल्ट के लिए। तो अब हम इस पॉइंट से निकलेंगे बाहर की ओर, सामने का वो पॉइंट जहाँ से मैं निकल के आ रहा हूँ। तो यहाँ से भाई टिकट मिलती है, ऐसा कुछ सीन था। तो भाई नेशनल रेल म्यूज़ियम देख लिया है, चलते हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो इसी के साथ वीडियो करेंगे समाप्त, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।